हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता वर्मा। और आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी के लड्डू, जो सर्दियों में आपको ठंड से बचाते हैं और आपको हेल्दी भी बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलसी के लड्डू बनाना। हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी के लड्डू। इसके लिए हमने अलसी ली है आधा कटोरी, बूरा ली है एक कटोरी, हमने मावा लिया है एक कटोरी, बादाम हमने 8-10 बादाम को पीस लिया है, और हमें थोड़ी सी काजू को पीस लिया है, आधा कटोरी गोंद ले लिया है। और तवे पे हम डाल देंगे अलसी के बीज, इसे हम थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे। देखिए हम अलसी के बीजों को भून रहे हैं, कम से कम 10 मिनट तक हमें इसको भूनना है ताकि हमारे अलसी के बीज वो अच्छे से भून जाए। और बीज को भूनते हुए जो है गैस का फ्लेम जो है लो रखना है। करीब 10 मिनट बाद ही हमारे अलसी के बीज भुन गए हैं। ले लिया और उसमें हमने जो है 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया है, और हमने घी को थोड़ा गर्म होने के लिए रखा है। हम घी गर्म करने के बाद इसमें थोड़ा सा मावा ऐड कर देंगे एक कटोरी, और इस मावे को जो है हम घी में 5 मिनट के लिए भून लेंगे। ये हम लो फ्लेम पे मावे को भून लेंगे, और करीब 5 मिनट तक हमारे मावे को भूनना है। हमारा मावा जो है भून चुका है, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमें डाला है एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने 2 चमचे के करीब घी ऐड किया है, और इसमें हम डाल देंगे गोंद। हमारा घी गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे गोंद। गोंद को जाएगी के साथ अच्छे से भून लेंगे। गोंद को अब निकाल देंगे बाहर ऐसे बर्तन में, ऐसे हम बाकी गोंद को भून लेंगे। Thank you.
इसकी हम सारी गोंद को भून लेंगे। ये हमने मावे को जो है करीब 5 मिनट तक भून लिया है, और ये हमने जो गोंद को भुना था उसको हमने भुनने के बाद थोड़ा ठंडा करने के बाद हमने उसको जो है पाउडर बना लिया है पीस के। ये अलसी जो हमने भुनी थी इसको भी हमें थोड़ा ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अलसी के लड्डू बना। स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले डालेंगे इसमें अलसी जो हमने भूनने के बाद पीस ली है। अब इसमें डालेंगे मावा 1 कटोरी, इसमें 1/2 कटोरी पिसा हुआ गोंद डाल देंगे। ये हमें थोड़ी सी काजू को पीस लिया है, इसको भी डाल देंगे, काजू के पाउडर को। ये हमें थोड़े बादाम, 8-10 बादाम हमने पीस लिया है, इसको डाल देंगे। और ये हमने थोड़े साबुत अलसी के बीज बचा लिए थे, हमने इसको भी डाल देंगे। इसमें डालेंगे पूरा 1 कटोरी। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे, हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। करीब पूरा और ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। सब जो हमारे पास मिक्सर है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे लड्डू जो है परफेक्ट बने, और हम थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेके लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा हमें मिक्सर लेना है ऐसे, देखिए, और उसके बाद मिक्सर लेने के बाद में जो है हमें ऐसे लड्डू बनाना है। ये देखिए, वैसे हम जो है लड्डू को बना लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मिक्सर लिया है हमने, वैसे लड्डू बना लिया है। ये देखिए ऐसे हम थोड़ा सा दूसरा मिक्सर लेंगे, ये देखिए, और इसका भी जो है हम लड्डू बना लेंगे। ऐसे ही थोड़ा सा मिक्सर और लेंगे हाथ में और इसके भी हम लड्डू बना लेंगे। जी देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर लेना है और लड्डू बनाते जाना है। और ऐसे हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। जी देखिए, अब हमने जो है सारे अलसी के लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए बनाने के बाद हमारे लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं।
और अलसी के लड्डू को जो है सर्दियों में खाना फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि जो अलसी है, अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स, गर्म होता है काफ़ी, जो आपको सर्दी से बचाता है और आपको काफ़ी हेल्थी रखता है, और आपको किसी भी तरह के वायरल जैसे फ्लू, कोल्ड, खांसी, इन सब से भी आराम दिलाता है और इनसे आपका बचाव करता है। अलसी के लड्डू की जो तासीर होती है वो काफ़ी गर्म होती है, इसलिए इसे सर्दी में खाना अच्छा होता है। सर्दी में अलसी के लड्डू खाइए और बीमारियों से बचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।